वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक मिनट, पंखा बंद हो जाए, पंखे का कौन इंतजार करेगा। तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और डे 3 के ब्लॉग में आज हम जाएंगे साइकिल लेने। और मुझे काफ़ी देर से था कि यार साइकिल लेनी है। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मैं सोच रहा था कि साइकिल लेनी है और साइकिलिंग करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था और मुझे सब कहते थे कि यार ना लो साइकिल, क्योंकि हमें पता है तुमने चलानी है नहीं, बस साइकिल खड़ी रहेगी। तो लेकिन मैं लेना चाहता हूँ, मैं साइकिलिंग करूँगा, तो चलते हैं साइकिल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बचपन की बात बताता हूँ। बचपन में भी तकरीबन आज से 10 साल पहले ऑलमोस्ट, हाँ, मैंने साइकिल ली थी। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त शॉक्स वाली रेड कलर की और कमाल किस्म की साइकिल थी। हुआ ये कि रात को मैंने अपने गैराज में वो खड़ी की और 4 बजे के करीब कोई गेट से टाप कर आया और उस साइकिल को टाप के लेकर भाग गया। मतलब अभी हफ्ता हुआ था मुझे वो साइकिल लिए हुए और मैं उस टाइम इतना रोया था कि यार मेरी साइकिल चोरी हो गई। लेकिन कोई नहीं, उसके बाद मैंने साइकिल ली एक और, लेकिन वो दिल को भाई नहीं, मतलब मैंने साइकिलिंग की ही नहीं। लेकिन आज जब मैं साइकिल उसके बाद एक और दफ़ा लेने जा रहा हूँ, और इस बार मैंने पक्का इंतज़ाम किया है कि साइकिल बाहर खड़ी नहीं करनी। तो चलते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तैयार हो जाऊँ तो आप लोग भी एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। तो फिर मिलते हैं गाड़ी में। अच्छा, तो यार मैं जा रहा हूँ अभी साइकिल लेने, और ये वलीद जो है कह रहा है कि तुम्हें साइकिल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चलाऊंगा। तो यार बिल्कुल भी नहीं चलानी है अभी, तुम गर्मी देख रहे हो। यार देखो, गर्मी कुछ नहीं होगा, चला लूंगा मैं, मतलब के मैं सुबह चला सकता हूँ, मतलब फजर के बाद आप उठो, फजर पढ़ो, उसके बाद साइकिल चला सकते हो। उसके अलावा कब चला सकते हैं आप? उसके अलावा तो रात को चला सकते हो। हाँ, रात को ख्वाबों में चला सकते हो, और कभी नहीं चला सकते। नहीं, वो भी चला सकते हैं आप, लेकिन उसके अलावा भी चला सकते हैं। हाँ, तुम जरूर चलाओगे, तुम टेस्ट ड्राइव लोगे उसकी एक दिन, उसके बाद फिर तुम कभी नहीं चलाओगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा, देखिएगा। बस दुआ करें अच्छी और सस्ती मिल जाए, आजकल बड़ी महंगी हुई है। इतनी गर्मी है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ साइकिल लेने, और मुझे ये कन्फर्म है कि इसने चलानी कोई नहीं है। यार देखो देखो, तुम सिर्फ जा रहे हो, मैं जाके पैसे लगा के खरीद रहा हूँ और मैं चलाऊंगा। यार जब पैसे अपनी जेब से लगे हो ना, फिर बंदा चलाता है। देख लेंगे। चलो देखते हैं। तुम बड़ी टोपी पहन के आए हो, तुमने अभी जाके साइकिल चलानी शुरू कर देनी है। यार मेरी बात सुनो तुम जी, यार लोगों को बाहर गर्मी दिखाओ जरा, बहुत गर्मी है आज। जी हाँ, इस बहुत ज्यादा सूरज जो है ना आज निकला हुआ है। यार आसमान प्यारा लग रहा है। यार साइकिल जो है ना, वो माल रोड पे चलाने का वैसे सही मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनरी है और सुबह सुबह का टाइम हो, परिंदे जो है वो बोल रहे हो, आहा क्या ही बात है। क्यों भाई? बिल्कुल, मतलब तुम भी ले लो यार साइकिल। हाँ मैंने यार 2 से 3 बार ली है साइकिल। नहीं, अपनी इजाती खरीद लो ना। यार दिल नहीं करता एक दिन। यार मैं बताता हूँ, इसने साइकिल ली थी, इतनी जबरदस्त थी कि आप उसे चलाते थे और यहाँ से मतलब आपने सिर्फ 10 फुट तक जाके आपने कहना था यार आज के लिए बहुत है, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए बहुत है, इससे ज्यादा साइकिल नहीं चलानी। एक्सरसाइज का शौक, तो मैंने इसलिए थोड़ी हार्ड साइकिल ली। ओके, तो उसमें आपको जो है ना, आपकी थाइज जो है स्ट्रांग होती है, तो यार उस तरह की साइकिल लो, फायदा हो आपको। जब उसके काम होने वाले हो ना, तो फिर पता यही कहता। ले लो यार, तुम ले लो, देखूंगा मैं तुम कितने दिन चलाते हो। मैं चलाऊंगा इंशाल्लाह, देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं भी देखूंगा, पैसे हलाल करने। अच्छा, तो हम आ चुके हैं नीला पंपत और यहाँ पर साइकिलें देख रहे हैं, और अभी हम एक शॉप पे गए थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कोई मेटल की है, कोई एलुमिनियम की है, तो समझ नहीं आ रही कौन सी, तो आपको दिखाते हैं।
अच्छा तो यार हमें एक साइकिल पसंद आई है ये वाली, और इसका ये जो है ना इन्होंने 24,000 कहा था और अब क्या है 24,000 ना 22 इन्होंने फाइनल किया, लेकिन मुझे जो है पसंद तो आई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 18,000 की देंगे तो ठीक सही है। हाँ 18 मुनासिब है, और लेकिन ये भाई हैं ये देखें ये कह रहे हैं कि नहीं 22 फाइनल है ऐसे ही है। तो आगे जाके देखते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कौन सी साइकिल लें कौन सी ना लें, लेकिन अगर ये पसंद आ गई अगर भाई हमें देते 18 की तो हम ले लेते, लेकिन किस्मत में देखते हैं क्या है। आइए आगे चलते हैं। अच्छा तो फिर हमें वही वाली साइकिल जो है वो पसंद आ गई थी, तो अब एटीएम से पैसे निकालने आया हूँ और एटीएम से करारे करारे नोट निकले, चलें चलते हैं लेते हैं साइकिल, आपको दोबारा दिखाते हैं। अच्छा यार इनके पास कोई दूसरा कलर नहीं था तो फिर ये कलर वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ठीक है इतना भी बुरा नहीं है चल जाएगा। तो गाइस फाइनली आज मैंने साइकिल ख़रीदी, और तकरीबन 2 सालों से मैं कह रहा था कि साइकिल लेनी है लेनी है लेनी है, और हर कोई कहता था कि तुमने लेके चलानी बाद में है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने साइकिल ली है तो मैं चलाऊँगा। अभी उसकी ज़रा ट्यूनिंग हो रही है, ब्रेकें जो है ना वो टाइट की जा रही हैं, तो फिर एक टेस्ट ड्राइव करेंगे, फिर आपको आपने देख तो लिया पता है आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अच्छा ये साइकिल जो है ये मिल रही थी हमें 24,000, उसके बाद इन्होंने लास्ट हमें 22,000 कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 18,000 के लेंगे, लेकिन अब हमारी डील 19 में हुई। ठीक है या महंगी हुई है? ठीक है आप बताएं, इसको भी लग रहा है ठीक है, मुझे भी लग रहा है ठीक है, इतने की तो साइकिल बनती है मतलब जितनी महंगाई होगी। इतनी टाइट क्यों है? अच्छा यार इसे ना हम गाड़ी में रख रहे हैं, फिट आ नहीं रही, बड़ी टेक्निक लगाई है हमें, था आसानी से आ जाएगी। अब वो भाई को बुलाया, उनका रोज़ का काम है तो वो तो इसे रख ही लेंगे। तो साइकिल हो गई अंदर, अब इसे करते हैं बंद, गंदी है गाड़ी। तो फाइनली मैंने साइकिल तो ले ली है और अब इंशाल्लाह मैं इसे चलाऊंगा भी, और जाके देखते हैं कि क्या है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आपको पता नहीं लगता, हर साइकिल देख के आपको लग रहा होता है यार ये भी अच्छी है, और कलर स्कीम का भी पता नहीं लग रहा। तो ये कलर मुझे वैसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन साइकिल पसंद आ गई थी, लेकिन इतना बुरा